हेलो कैंसर, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं जुलाई मंथ आपका कैसा रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम मेजर अरकाना से एक कार्ड लेंगे आपके लिए। द हाई प्रिस्टेस, ओके, इसको हम यहाँ रख देते हैं। इस डेक से भी हम कुछ कार्ड लेंगे। कार्ड्स प्लीज गाइड कैंसर। फोर ऑफ पेंटिकल्स, द मून, ओके, किंग ऑफ वांड्स, द टावर। तो जुलाई मंथ मुझे आपके लिए इजी तो नहीं लग रहा है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। बट जुलाई का मंथ आपको बहुत स्ट्रांग करके जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा देख सकते हो जिस तरह से आया है, और आप जानते हो बहुत अच्छी तरीके से कि टैरो में हाई प्रिस्टेस क्या है और उनकी जगह क्या है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि आपके लिए हाई प्रिस्टेस आया है, तो ये जो जुलाई मंथ है आपको काफ़ी कुछ सिखा के जाने वाला है, ये मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। और आप ना जुलाई के मंथ में ग्रो करोगे काफ़ी, ठीक है, अपने फैमिली के साथ या अपने किसी खास पर्सन के साथ, ठीक है। एक अच्छा समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। और जो भी टावर सिचुएशन आपके लाइफ में आ रही है ना, ठीक है, ये जो टावर सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ सडन है, ऐसे कोई चीज़ होगी आपके लाइफ में, ठीक है, तो ये आपको बहुत स्ट्रांग करके जाएगी, ठीक। मैं ये देख पा रही हूँ कि कोई इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है, मतलब इमोशनली कुछ ऐसा होगा जो आपको थोड़ा इमोशनल कर देगा, ठीक है। और ना, और वो चीज़ें तो आप ग्रो ही करोगे। यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप ना, यहाँ फाइनेंस का तो आया, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप फाइनेंस थोड़ा सोच समझ के आप आगे में लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, खर्च करोगे। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप में से काफ़ी लोग ना ज़्यादा आप लोगों से डिस्कस नहीं करोगे अपने मन की बातें, ठीक है, अपने तक ही रखने तक सीमित रखोगे यहाँ पर। और कुछ इमोशनली भी मैं देख पा रही हूँ कि आप थोड़े से हो सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको काफ़ी इमोशनल कर दे, ठीक है। बट ये चीज़ ना आपको ग्रो करने में, और शायद जैसे आपका कोई विश्वास टूटना होता है ना, विश्वास टूटना, कुछ लोगों की वजह से ऐसा लग रहा है कि कोई विश्वास टूट सकता है, जिसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा कि आपका कौन अपना है कौन नहीं है। और ये मैं आपके लिए यहाँ पे ग्रोथ देख पा रही हूँ, एक ग्रोथ है आपके लिए, ठीक है। एक बहुत ही इमोशनल पर्सन, मतलब एक पर्सन के साथ एक इमोशनल कनेक्शन शेयर करोगे एक पर्सन के साथ। ये फैमिली भी कुछ लोग के लिए हो सकती है, बट स्पेसिफिक यहाँ पे मुझे कोई पर्सन दिख रहा है यहाँ पर, जिनके साथ आप एक अच्छा समय बिता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे किसी की एंट्री भी हो सकती है जिनके साथ आपका गहरा कनेक्शन बने, ठीक, ये भी मैं देख रही हूँ। दूसरा ये मैं देख पा रही हूँ कि शायद आपका इस पर्सन के वजह से कुछ सडन, जैसे ये अगर एंटर कर रहे हैं आपके लाइफ में, तो एक बहुत बड़ा बदलाव, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और ये इस वजह से, चूंकि आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत हाई रहने वाली है, ठीक है, इस वजह से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि उनके लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर कर रहा है, ये सडन बदलाव उनके लाइफ में आ रहा है, ये भी कुछ लोगों के लिए एक मैसेज है यहाँ पर। दूसरा मैं ये एक ओवरऑल अगर लूँ, तो ये मैं देख रही हूँ कि आपकी ऊर्जा बहुत ही हाई वाइब्रेशन वाली रहेगी, ठीक है। आप ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करोगे, बट जैसे अपनी सारी बातें खुल के नहीं बोलोगे, कुछ अपनी बातें जो हैं जो आपको लगता है कि मुझे सबसे शेयर नहीं करनी चाहिए, अगर मैंने किसी कुछ बोला तो वो हो सकता है इसका कोई फायदा उठा सके सकता है मेरे खिलाफ। तो आप ज्यादा लोगों से सीक्रेट भी अपने नहीं शेयर करने वाले यहाँ पर, ठीक है, ये भी मैं कुछ लोग के लिए देख रही हूँ। और ये तो है कि आपके लिए ग्रोथ है, आप अगर कहीं आपने मनी इन्वेस्ट भी किया होगा तो वो भी ग्रो करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फाइनेंशियल गेन भी है यहाँ पर, बट आप ना सोच समझ के ही पैसे खर्च करोगे, ये भी दिख रहा है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज यहाँ पर है। बाकी और भी कार्ड्स हम आपके लिए देखने वाले हैं यहाँ पर। ग्राउंडेड एंड सेंटर, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अर्थ एनर्जी में ज्यादा रहने वाले हो, कैंसर आप हैं, बट यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप काफी हद तक ये डाउन टू अर्थ रहोगे, ठीक है, मदर अर्थ से यहाँ पे कनेक्टेड रहोगे। दूसरी हीलिंग भी मैं आपके लिए यहाँ देख पा रही हूँ, हीलिंग होते हुए आपकी,
ठीक है, आप कुछ नया इनोवेट कर सकते हो, कुछ नया प्रोड्यूस, कुछ नया क्रिएट कर सकते हो, आपके आइडियाज बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप किसी को एडवाइस भी दे सकते हो यहाँ पे, एक बहुत अच्छी एडवाइस, ठीक है, तो जो उसकी हेल्प करेगी उसके लाइफ में। अगर कोई आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जो लाइफ में भी बुरा कंडीशन देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एडवाइस है। और भी कार्ड्स देखेंगे, चलिए आइए। फर्टिलिटी, मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पे भी अर्थ एनर्जी में देख पा रही हूँ, ये पेड़ देख पा रही हूँ आपके लिए, ग्रोथ आपकी देख पा रही हूँ, विजडम आपके लिए देख पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये ग्रोथ डेफिनेटली आपके लिए है, ठीक है, यहाँ भी हमने देखा है आपके लिए ग्रो है। और यहाँ आपका हार्ट चक्र है ना, वो भी आपके लिए, अगर कुछ लोगों के हार्ट चक्र में ब्लॉकेज थी तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, और ये ना बहुत सडन आपके आपके लाइफ में ये चीज होने वाली है। और कुछ लोगों के लिए तो ये रिलेशनशिप को न्यू पर्सन के आने की वजह से भी यहाँ पे नजर आ रहा है। फर्टिलिटी, आप कुछ जरूर क्रिएट करोगे, ठीक है, कुछ अपना कुछ न्यू इनोवेट करोगे, कुछ न्यू तो आपके लिए जुलाई में जरूर होगा जो आपके ही थ्रू क्रिएट होगा, ठीक है। पैशन इग्नाइज्ड, मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि आप कोई ऐसा काम कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ये भी ऊर्जा वैसी ही है जो अंदर से आ रही है, पैशन जो अंदर से आता है, जो मुझे अच्छा लगता है करना। अब जब इंसान वही करता है तो क्या पैशन ही तो उसे कहा जाएगा। तो आपके दिल से कोई चीज आ रही है कि मुझे ये करना है या मुझे ये चाहिए। कुछ लोग के लिए लव में भी यहाँ मैं पैशन देख पा रही हूँ, ठीक है, लव में भी पैशन देख पा रही हूँ। करियर की बात की जाए तो उसमें भी मैं बहुत पैशन आपके लिए देख पा रही हूँ, मुझे कुछ करना है। एकेडमिक के फील्ड में भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, जुलाई का मंथ एकेडमिक के लिए बहुत ही अच्छा है आपके लिए, ठीक है, तो उस अगर कोई मौका है आप अपने हाथ से जाने मत देना। दूसरा, यहाँ पे पैशनेट होके कुछ करने को कहा जाएगा, अगर आप कुछ करना चाहते हो पैशनेट होके। यहाँ पे भी आप वो ये ग्रीन एनर्जी देख पा रहे हो, यहाँ पे भी वो ग्रीन एनर्जी आप देख पा रहे हो, ये जो पैशन है ना, ये ग्रीन एनर्जी ये दिल से निकल रहा है, ठीक है, तो दिल से अगर आप कोई काम करना चाहते हो, ये बहुत सही मौका है जुलाई का मंथ आपके लिए, आप करो, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, ठीक है। ट्रुथ, तो कोई सच ऐसा भी है जो आपके सामने आएगा, ठीक है, जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं है या आपने सोचा नहीं है, बट एक सच्चाई है, ठीक है, और ये सच्चाई मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि ये सच ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आपने किसी चीज को किसी और तरीके से समझा है, ठीक है, बट उसके और अलग मायने हैं जो आपको बाद में समझ में आएंगे। ये मैं यहाँ पे आपके लिए यही ले पा रही हूँ, और ऐसा दिख रहा है कि शायद यूनिवर्स अब चाहती है कि कोई बात है जो आपके सामने आनी चाहिए, ठीक है, जो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता चलनी चाहिए, तो ये वो ट्रुथ मैं यहाँ पे आपके लिए देख पा रही हूँ। आइए देखते हैं डिसीट, ओके, तो ये जो ट्रुथ है ना, ये कुछ ऐसे लोगों का भी हो सकता है जो आपके आसपास है लेकिन आपको आप चीट करते हैं आपको, ठीक है, आपके आपके सामने तो अच्छे बनते हैं बट आपके लिए नफरत है उनके मन में, ठीक है, ऐसे लोग को भी शायद उनकी सच्चाई लाकर आपसे मतलब उनको आपसे दूर किया जा सकता है, ठीक है। विक्ट्री आपके लाइफ में जरूर है, ये विक्ट्री, ठीक है, जुलाई के मंथ में जरूर आप कुछ अचीव करने वाले हो, ठीक है, एक विक्ट्री वाले। देखिए, अब मैंने पहले ही बोला आप हाई प्रीस्टेस वाली में, यहाँ पे आप फर्टिलिटी कुछ खुद से क्रिएट कर रहे हो, खुद कुछ बना रहे हो। यहाँ पे अगर बात की जाए करियर में भी हो सकती है, आपके लव में भी हो सकती है, पैशन आपके करियर में भी हो सकता है, आपके लव में भी हो सकता है, मतलब अगर ये जो पर्सन द हाई प्रीस्टेस आई, ये जो भी कर रही है ना, वो अपनी पूरी एनर्जी उस काम में लगा देगी, ठीक है। और यहाँ मैं हीलिंग आपकी देख पा रही हूँ, ये हार्ट चक्रा ओपन होते हुए देख पा रही हूँ, आप बहुत डाउन टू अर्थ और माफ भी कर दोगे, यहाँ आप तक की अगर किसी से कोई गलती हुई तो आप माफ भी कर दोगे उसको, ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। और आप ना एक लाइट फैलाने वाले हो, लाइट। हॉस्टिलिटीज, आपको ना कुछ ऐसे कड़े कड़े कदम लेने हो सकते हैं, या अपना स्टैंड लेना हो सकता है कहीं पर, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ सकता है कहीं पर जुलाई के मंथ में, और आपको अपने लिए फाइट भी करना पड़ सकता है, ठीक है, कुछ ऐसा हो आपको अपने लिए या तो यहाँ पे खुद को प्रोटेक्ट भी करना है, खुद को डिफेंड भी आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इस तरह के लोग आपके आसपास हो सकते हैं। तो ये कार्ड आपके लिए ये मैसेज दे रहे हैं यहाँ पर। टाइम फॉर अ नैप, अपनी एनर्जी को सेव भी करना है, हो सकता है कि ऐसी काफी, जैसे मैंने कहा आसपास इस तरह के लोग हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों को तो बहुत मजा आता है, वो कहते हैं ना कि किसी को परेशान देख के जिनको खुशी मिलती है, कुछ लोग लोगों की एनर्जी फीड करते हैं, ठीक है,
तो ये मैं देख पा रही हूँ आपको कि आप ना मतलब अपनी एनर्जी फालतू लोगों पे, जिन पे आपको आपको लगता है कि मुझे ध्यान ही नहीं देना चाहिए, ठीक है, उनको उन पे अपना वेस्ट मत करिए अपनी एनर्जी, उसमें उनके बारे में सोच के या उनके बारे में परेशान होके, ठीक है, वो जो कर्म उन्हें करने दीजिए। अगर वो आपकी लाइफ में आपके लिए अच्छे नहीं है, जैसे कि इस तरह के पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, तो आपको अपनी एनर्जी उन पे वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चाहे वो जो भी कर रहे हो, ठीक है। दूसरा मैं ये कहूंगी कि आपको अपने लिए समय निकालना यहाँ जरूरत है, अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना जरूरत है, ये टावर आपके हेल्थ के लिए भी हो सकता है, ठीक है। आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हो, बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक तरह का अंडर एस्टिमेट भी है यहाँ पे, या लोग आपको कर रहे हैं या आप खुद को कर रहे हो, ठीक है। तो वो शायद आपको समझ में आएगा कि नहीं, मैं यहाँ किसी से कम नहीं हूँ, ठीक है। इसका अंदाजा भी शायद आपको जुलाई मंथ में कुछ लोगों को लगे, ऐसी कुछ घटनाएं घटे जिसमें आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, मैं किसी से कम नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड भी आया है, आप जरूर कुछ ऐसा करोगे जिसमें आप लोगों का आकर्षित करोगे खुद की तरफ, लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाएगा, आपने ये किया है, आपको अप्रिशिएशन मिल सकती है, ठीक है। ये भी एक मैसेज चैनल हो रहा था तो मैंने दे दिया आपको। टाइम फॉर अ नैप है, अपना ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, अपना ध्यान रखना है। जो हाई प्रिस्टेस होती है वो बहुत इंट्यूटिव होती है, ठीक है, और यहाँ पे भी मून की एनर्जी आई है, इंट्यूटिव है यहाँ पे, ठीक है, इंट्यूशन की बात कही जा रही। तो मतलब आपको, आप एक ऐसी एनर्जी हो सकता है कि आपकी एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी वेस्ट हो जाती है, आप बहुत ज्यादा खुश रहते हो या बहुत इंजॉय करते हो, ठीक है, और आपकी एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी डिप्लीट होती है शायद, या फिर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपसे आके अपना दर्द बयां करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये कभी कभी आपकी जो एनर्जी को थोड़ा डिप्लीट कर देता है, क्योंकि आप उनको, आप इम्पैथ हो सकते हो, ठीक है। तो अपनी एनर्जी को यहाँ बचाने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि अपना अपना भी ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों का ध्यान रखते हो, बट आपको अपना भी ध्यान रखना है यहाँ पर। नॉट फॉर यू, कोई ऐसी चीज हो है जुलाई मंथ में जो आपको पता चल जाएगी कि आपके लिए नहीं बनी है, ठीक है, और ये शायद टावर मोमेंट उसके लिए भी हो सकता है, तो इससे घबरा नहीं है। जो आपके लिए नहीं है इसका मतलब वो आपके लिए अच्छी नहीं है, इसीलिए वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो अगर जो आपके लिए है ही नहीं, जो आपके लिए अच्छा है ही नहीं, तो उसको अगर ईश्वर आपके लाइफ से हटा रहा है वो चीजों को, ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कुछ लोग के लिए कुछ बहुत ही ऐसी चीज हो सकती है जिससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, वो छोड़ना नहीं चाहते, और ईश्वर चाहता है कि ऐसी कोई अटैचमेंट आप ना रखें अपनी जिंदगी में, तो ये उसके लिए भी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, बट आपसे कहा जा रहा है ये चीज आपके लिए नहीं है, ठीक है। और आइए देख लेते हैं और, बट ये आप देख लो, ये फॉर्च्यून कुकी है, ठीक है, फॉर्च्यून कुकी अच्छा ही और अच्छा बताती है। और भी देखते हैं आपके लिए कार्ड क्या है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ओके, तो ये मैं देख पा रही हूँ नॉट फॉर यू आया है, कुछ लोग के लिए जैसे कि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड आया है। तो यहाँ पे ईगो कुछ लोग के लिए कहेंगे नॉट फॉर यू, एंगर नॉट फॉर यू, स्ट्रेस नॉट फॉर यू, एंजाइटी नॉट फॉर यू, ठीक है। तो ये भी हो सकता है आपके लिए, जो नेगेटिव फीलिंग्स है वो भी आपसे कहा जा रहा है नॉट फॉर यू, एंड आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ चीजों में आपको एडजस्टमेंट्स की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हैंडल करने की बात भी, मैनेज करने की बात भी कही जा रही है, और थोड़ा सा ना एडजस्टमेंट हर चीज में चाहिए होता है, अगर आपको कहीं फिट होना है, ठीक है, तो थोड़ा सा तो उनके हिसाब से भी चलना होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी देख पा रही हूँ, आपको ना अगर कोई चीज से हमेशा जिद नहीं करनी है, ठीक है, कि नहीं ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक, तो ये जिद भी शायद किसी को करने से मना किया जा रहा है कि जिद मत करो, ठीक है। आइए देखते हैं, सोल एक्सपेंशन है यहाँ पर, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग, ऐसे ही नहीं हाई प्रीस्टेस आपके लिए आई है, ठीक है, आप काफी चीजों में एक कनेक्शन देख पाओगे, जैसे मैंने कहा ना ये ट्रुथ, ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें जो यूनिवर्स आपके सामने लाएगा, कुछ ऐसी बातें जो यूनिवर्स चाहता है कि आपको अब पता चलनी चाहिए इस स्टेज पर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसा, ये एक जो एक सोल एक्सपेंशन है वो तो है ही, ये एक विजडम का भी साइन है कि आपकी जो नॉलेज है ना वो बढ़ रही है, आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है लाइफ में, ठीक है, एंड सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ पर। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए है यहाँ पर। यू आर टू एमनेस इन दिस सिचुएशन, सो स्टेप बैक एंड सी द बिगर पिक्चर बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन आर टेकिंग एक्शन, आपसे कहा जा रहा है कोई भी एक्शन लेने से पहले, ठीक है,
एक बार ध्यान से सोच ले और एक बिगर पिक्चर देख ले, शायद आप कोई ऐसी चीज की जिद कर रहे हो जो आपके लिए नहीं बनी है, ठीक है? आपको नहीं पता है उसके बारे में, और अभी आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं जानते हो, उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो, और बट आप चाहते हो कि वो हो आपके जिंदगी में, आपके लाइफ में, ठीक है? तो आपसे कहा जा रहा है पहले एक मिनट रुक जाओ, कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन लाइफ में लेने से पहले एक कदम पहले पीछे लो और देखो पहले कि अगर सच में एक जगह बैठ जाओ, चाहे तो हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जी में, मैं ये कहूंगी कि थोड़ा सा अपना समय लो, बैठो और उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा, ठीक है? तो ये चीज, कोई बहुत बड़ा डिसीजन कोई जल्दबाजी में मत लो, ये कहा जा रहा है स्पेशली आपके लिए, ठीक है? बाकी आप समझ के लेट गो, कोई चीज को जाने देने की जरूरत है। आप शायद कोई चीज ऐसी भी है जो पकड़ के बैठ गए हो, जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कोई ऐसी चीज जो आपके लिए नहीं बनी है बट आप पकड़ के बैठे हुए हो, तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है नॉट फॉर यू, आपसे कहा जा रहा है लेट गो करो उसको, ठीक है? कोई ऐसी चीज है जिसको लेट गो करने की जरूरत है, ये कोई नेगेटिव इमोशन भी हो सकता है, ठीक है? कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई टॉक्सिक पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में, तो आपको किसी को जाने देने की जरूरत है। यहाँ पे फूल की एनर्जी है, सीजनोफेरनिया, द बर्डन, ओके, रीबर्थ। मैं यहाँ आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव दे पा रही हूँ, एक ऐसा बदलाव जो अपनी सुनता है, ठीक है? यहाँ एक इंसान जो अपने दिल की सुन रहा है, और यहाँ द बर्डन जो किसी और की सुन रहा है। यहाँ आपको इन चीजों को इस एनर्जी से इस एनर्जी में जाने की जरूरत है। लोगों की सुनना बंद करो, लोग आपका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इस तरह के लोग आपके आसपास भी हैं, ठीक है? तो थोड़ा संभल कर, ठीक है, और अपने दिल की सुनना शुरू करो। दूसरा, मैं यहाँ पे देख पा रही कोई अपने पास से निकल ही नहीं पा रहा है बाहर, ठीक है? या फिर कोई दो चीजों के बीच में फंसा है और वो दोनों ही चीज चाहता है, एक चीज को ही चुनना होगा आपको, ठीक है? ये चॉइस आपके सामने रहेगी, आप एक अच्छा डिसीजन जरूर लोगे, ये तो मुझे पता है, ठीक है? बस ये है कि पास से, अगर कुछ लोग पास में अटके हैं, पास से बाहर आओ और आगे बढ़ो। नहीं बढ़ोगे तो आगे कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, विक्ट्री है वो, विक्ट्री नहीं मिल पाएगी अगर वो चीज से हटोगे नहीं, आगे बढ़ना जरूरी है, ठीक है? यहाँ रीबर्थ भी बता रहा है कि एक बदलाव लाइफ में आना जरूरी है। ये बदलाव आपके वजह से नहीं आ पाए, क्योंकि आप कोई चीज ऐसी है जो पास की छोड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है? ये कोई एडिक्शन भी हो सकता है, ये किसी का कोई पर्सन भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है? तो ये कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आप पास की है, जो आपको ऑब्सर्व नहीं करती है, आपके लिए नहीं अच्छी है, बट आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है? ये उनके लिए है रीबर्थ। आपका यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव आपके अंदर, ये तो द हाई प्रिस्टेस ही बता रही कि आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ठीक है? जुलाई मंथ में आप, मतलब आपकी लोग सुन सकते हैं, आपसे लोग एडवाइस ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने एडवाइस की बात भी कही है, और ये भी कहा है कि आप ना सही गलत में फर्क कर पाओगे सही से, और आप ना चीजों की 360 देखोगे। मैंने यही आपसे 360 देखने को कहा जा रहा है, इसीलिए आपको हो सकता है कोई बड़ा डिसीजन जुलाई के मंथ में लेना है, उससे पहले आपको हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में डाल दिया जाएगा, जैसे कि आप एक सही डिसीजन ले पाओ, ठीक है? और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ डिसीजन लेने से पहले आपको ये भी देखने की जरूरत है कि एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, और ये कार्ड भी इसलिए आया है कि आप सब चीज को ना कनेक्ट कर पाओगे, आप सब समझ जाओगे। इसमें भी यही लिखा था ना कि आप सब चीज समझ जाओगे, कैसे काम करती है, कैसे लिंक्ड है एक दूसरे से, ये भी जो आपको एक अच्छा डिसीजन में देख पा रही हूँ लेने में बहुत मदद करने वाली है, ठीक है? आइए देख लेते हैं, दो और कार्ड आपके लिए बचे हैं। ग्रेट फॉर्च्यून, जुलाई के मंथ में आपका ये ग्रेट फॉर्च्यून जरूर रहेगा, और मेन फीमेल, ठीक है? तो आप अगर मेल आप देख रहे हो तो आपके लाइफ में कोई फीमेल आ सकती है, डेफिनेटली एक कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है यहाँ पर, और मेन फीमेल की जैसी ऊर्जा है, मैं यहाँ पे यही कहूंगी फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो आपको ना खुद को इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है, आप क्या हो, एक आपको सेल्फ लव करने की जरूरत है, ठीक है? और आपकी लाइफ में ना आप ही मेन लीड हो, ठीक है? आपको ये समझने की जरूरत है, तो खुद को, जब आपकी लाइफ में आप खुद को क्योंकि कम समझ रहे हो, आप ही हो जो आपकी हीरोइन हो, ठीक है? तो आपको किसी को, किसी से कंपेयर नहीं करना खुद को, और ना खुद को कभी किसी से कम समझना है। ये आपकी लाइफ है, इसको आप जैसे चाहो वैसे मोड़ सकते हो, या फिर आप कम से कम खुद को तो कम से कम आप अच्छे अच्छा महसूस करा सकते हो, ठीक है? तो ये मत कहिए कि मेरा कॉन्फिडेंस लो है, ये मत कहिए कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूँ, आप जो हो जैसे हो बहुत ही बेटर हो, अपनी लाइफ के आप हीरोइन हो, ठीक है? तो आपको वैसा फील करना चाहिए, अपनी लाइफ को वैसे जीना चाहिए, ठीक है? और अगर आप मेल देख रहे हो तो आपके लाइफ में जरूर कोई फीमेल इंटर कर सकती है, ठीक है? तो ये मैसेज आपके लिए है, और भी देखते हैं कुछ कार्ड से।
और ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपको बहुत कुछ इम्पोर्टेंट फील हो सकता है, मतलब कि मैं एज अ पर्सन बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, ठीक है। फीमेल जिनके लिए ये मैसेज है, आप ले लीजिए, आप बहुत इम्पोर्टेंट फील करोगे, खुद की महत्व को समझोगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए एक फीमेल की ऊर्जा आई है, द हाई प्रीस्टेस, ठीक है, यहाँ भी वो फीमेल है यहाँ पे आपके लिए। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, मैं क्या कह रही हूँ, मैं यही तो कह रही हूँ ना, आप अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट पर्सन हो, ठीक है, अपनी लाइफ को जियो, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, ठीक है। किसी चीज में इतना व्यस्त भी मत हो जाओ कि अपनी जो लाइफ है उसको भूल जाओ, कि ये एक लाइफ है जो एक ही बार मिलती है, ठीक है, और आप खुशी डिजर्व करते हो, ये चीजें भूलना नहीं है। सक्सेस एश्योर विद गुड प्लान एंड हार्ड वर्क, तो यहाँ पे गुड प्लान आपको बनाने की जरूरत है, एक अच्छे प्लान की जरूरत रहेगी, ठीक है, और मेहनत करने की जरूरत है, तो ये आपको विक्ट्री आपको पक्का दिलाएगी दिलाएगी, ठीक है। ओके, इसको मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। ये कार्ड मैं ले लेती हूँ यहाँ पे। आपके लिए आया है डीलिंग ऑफ रिलेशनशिप विद अ यंगर मैन, तो यंगर वुमेन सॉरी, तो आप में से कुछ लोग कोई अपने एज से छोटी लड़की के साथ, मतलब यंग एज की लड़की के साथ डील कर सकते हो, ये कुछ लोग के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग के लिए ये कोई सिस्टर भी हो सकती है जिनके साथ आप डील करने वाले हो, ठीक है, तो कोई छोटी लड़की है, ठीक है, जिनके साथ आप डील कर सकते हो। गेटिंग टूगेदर विथ फ्रेंड्स, तो मौका मिल रहा है यहाँ पे, हैव फन का भी कार्ड आया था, सॉरी मैंने सब एक साथ उठा लिया तो वो कार्ड भी उसमें चला गया, बट ये है कि आप दोस्तों से मिल सकते हो जुलाई मंथ में और वो समय एंजॉय कर सकते हो। अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन, मैंने पहले कहा है कि अपना निगेटिविटी फीलिंग को यहाँ पे नॉट फॉर यू कहा गया है, और इतना याद रखना जब भी नेगेटिव फील हो ये याद रख लेना, नॉट फॉर यू, ठीक है, एंड लेट गो, ये दोनों मैसेज आपके लिए आए थे। दूसरा इल हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, मैंने पहले भी कह दिया था, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, जरूरी है। इन नीड ऑफ हेल्प असिस्टेंस एंड गाइडेंस, आप लोगों की मदद कर सकते हो, ठीक है, आप लोगों के काम आ सकते हो, उन्हें गाइड कर सकते हो। लाइट हार्टेड एंड केयर फ्री टाइम, यहाँ मैं देख पा रही हूँ जिस तरह के आपके मैसेजेस आए हैं, आप काफी इंजॉय करने वाले हो जुलाई का मंथ, ठीक है, ज्यादा टेंशन नहीं लोगे, ठीक। आइए देखते हैं, ठीक है, गुड न्यूज, कोई गुड न्यूज सुनने को मिलेगी आपको। अ लॉन्ग जर्नी एज अ फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड, मैंने कहा ना ऐसा दिख रहा है, मैंने पहले ही ये चीज बात बता दी थी आपको कि हो सकता है जुलाई का मंथ कुछ लोग के लिए इजी ना रहे, लेकिन ये आपको ना बहुत स्ट्रांग बना के जाएगा, मैंने पहले भी कहा था, ठीक है। फिजिकली आप ट्रैवल कर सकते हो, कहीं बहुत ज्यादा लॉन्ग जर्नी हो जाए, या फिर मेंटली बहुत ज्यादा किसी चीज, किसी काम को, कोई प्रोजेक्ट आपके सामने आ गया, कुछ आपको काम करना पड़ गया हो, कोई प्रॉब्लम ही आ गया, आप उसको सॉल्व कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपको लाइफ में एक्सपीरियंस दे के जाएगा और आपको वाइजर बना के जाएगा। स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करने वाले हो, पैशनेट लव और हेट, यहाँ पैशनेट की बात की गई थी और अब मुझे लग रहा है पैशनेट ये कुछ लोगों के लिए लव में इमोशन, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा था यहाँ पर, और ये जो मैंने पहले आपके लिए बता दिया था। तो चलिए एक और कार्ड ले लेते हैं, लास्ट कार्ड, फेयर वुमेन। ओके, यहाँ पे देखिए फीमेल ज्यादा मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे यंग वुमेन आई है, फेयर वुमेन आई है, मेन फीमेल आई है, तो कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, अगर मेल आप देख रहे हो तो आप किसी ऐसी पर्सन से डील करने वाले, डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद ब्लॉन्ड या ग्रे और व्हाइट हेयर वाले, ठीक है, तो आप इनसे डील कर सकते हो, कोई यंगर वुमेन से आप डील कर सकते हो, ठीक है। अगर फीमेल आप देख रहे हो तो आप भी ऐसे कोई पर्सन से डील कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आया है गेटिंग टूगेदर विथ फ्रेंड्स, तो कोई हो सकता है आपके जान पहचान में ऐसी कोई पर्सन हो, कोई छोटी लड़की हो, या फिर कोई सिस्टर हो सकती है, ठीक है, या तो आपके कोई फ्रेंड हो सकती हैं जिनसे आप डील करो इस जुलाई मंथ में, ठीक है, तो ये चीज आपके लिए है, या फिर कोई पर्सन ऐसा हो भी सकता है, ठीक है, इनसे बचने को भी कहा जा रहा हो सकता है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग,
और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।